आज दिनांक 31 मार्च 2024 को बंगाली समिति दुर्गावानी का चुनाव जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व उनके टीम द्वारा सकुशल संपन्न कराया गया, जिसमें 176 सदस्यों ने मतदान किया। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। एग्जीक्यूटिव में 6 लोग का चयन करना किया जाना था, 11 लोगों ने कॉन्टेस्ट किया था, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा वोट मिला है श्री देवाजी सेन गुप्ता, 110 वोट मिला है आपको, 10 वोट। इसके बाद दूसरे नंबर पे हैं श्री पार्थो चटर्जी जी, 96 वोट। आफ्टर दैट विथ 91 वोट अजय चटर्जी जी, देन विद 85 वोट्स विश्वनाथ दास जी, और फिर 80 वोट से हैं श्री विवेक चटर्जी जी। पांच मेंबर जो विन हुई है, अच्छी बात है कि महिला शक्ति आई है, नारी शक्ति आई है, श्रीमती सुप्रीति मुखर्जी जी 78 वोट। हाँ बाकी क्या बोल देंगे, जो बाकी 5 लोग उनका नंबर दीपक देव जी 74 वोट, एंड इक्वल है उनके निर्मित कुंडो 74 वोट, प्रफुल कुमार चटर्जी 75 वोट, रवि कुमार जी 66 वोट, और सुब्रत बनर्जी 71 वोट, ठीक है। अब हम आते हैं आपके जो दूसरे उसमें है महापदाधिकारियों में, गेम सेक्रेटरी में जो वोट मिला है, जो विनर है, उसको सबसे ज्यादा वोट मिला है आउट ऑफ एवरीथिंग, सबसे ज्यादा वोट मिला है कल्लोल चटर्जी, 111 वोट। चला हो बे। और सेकंड पे आए सैकत कर्मकार जी 51 वोट, कोषाध्यक्ष रजार नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने वोट एक ही को किया है, जैसे एक को किया है को नहीं किया, एक ही को किया इसलिए ऐसा हो गया। कजरार में है जो सेकंड टेस्ट है अतरीश दास 77 वोट्स, और विनर हैं शुभजीत नियोगी जी 87 वोट्स। अब मैं जाऊंगा ज्वाइंट सेक्रेटरी पे, 3 लोग थे, 2 पोस्ट थी, जयदीप बनर्जी जी 71 वोट्स पाके सेकंड टेस्ट पे हैं, जयंत चटर्जी 75 वोट्स सेकंड प्लेस पे जो विनर प्लेस पे हैं सेकंड वाले, और अभिषेक चटर्जी 101 वोट। सेकंड कौन है? जयंत चटर्जी 75 और 2 लोगों की सीट थी ना 75। जनरल सेक्रेटरी के लिए सेकंड प्लेस पे आए हैं श्री आनंद मुखर्जी विद 67 वोट्स, एंड विनर इज अभिषेक चटर्जी विद 100 वोट्स। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं त्रयंबक चटर्जी जी है विद 67 वोट्स सेकंड प्लेस, विजय कृष्ण नंदी जी विनर है 101 वोट। बाकी 3 पोस्ट जो थी वो अनपोज रही, 3 पोस्ट अनपोज रही, जिसमें कि आपके लिटरी सेक्रेटरी है, मैं नाम बोल रहा हूँ क्या, और अमेंडमेंट के लिए थे अशोक देव जी, नहीं 100 अभी लग जाएगा, ये आप लोग देख, इसको हम लोग अभी एक बना के लगा देंगे। जॉइंट सेक्रेटरी में अभिषेक चटर्जी 101 वोट, जयंत चटर्जी 75 वोट, और जयती पहले 71 वोट। ये रहा रिजल्ट आप लोग का, हम रिजल्ट पब्लिश कर देंगे, और अध्यक्ष पद के लिए आप लोग निर्विरोध चुनाव सुना था अंकल को, बधाई। अब और क्या करें आगे बताइए, बनाना पड़ेगा। आजकल जो इलेक्शन हुआ है इसके बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो द बंगाली एसोसिएशन है, समिति है, इसका निर्वाचन आज, इसकी समिति का निर्वाचन हुआ है, जिसका नामांकन आज से 2 दिन पहले यानी परसों फ्राइडे के दिन हुआ था,
टोटल 15 पदाधिकारियों के लिए यहाँ पर हुआ है, जिसमें से कि 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, बाकी इसके जो पदाधिकारी उनके लिए हुआ है। तो 3 पोस्ट ऐसी रहे जिनमें अनपोज रहा, जिसमें निर्विरोध चुनाव हुआ अध्यक्ष पद के लिए, लिटरेरी सेक्रेटरी के लिए और अम्यूजमेंट सेक्रेटरी के लिए। बाकी उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, गेम सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष और 6 जो एग्जीक्यूटिव पद के मेंबर थे उनके लिए चुनाव हुआ। टोटल जो वोट पड़े, जो हमारे पास से मतपत्र निकले, वैसे 74 निकले थे, लेकिन उसमें कई लोगों ने एक ही मतपत्र में कई पदों का था, तो कई लोगों ने कई पदों पर वोट नहीं दिया है, तो वो रहा। लेकिन चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में हो गया। इसके लिए समिति के सभी सदस्यों को, सभी वोटरों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, और मैं आशा करूँगा कि आगे समिति अच्छा काम करती रहेगी। तो अभी आप देख रहे थे बंगाली समिति दुर्गावाड़ी का, ये आज इलेक्शन हुआ है, परिणाम आपके सामने हुआ है और ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा संपन्न कराया गया है। तो अभी हम बात करेंगे, जो नए हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, तो अभी आपको अध्यक्ष चुना गया है, इसके लिए आप क्या नया काम करेंगे? सर हम अनपोस्ट अध्यक्ष चुने गए हैं और इसलिए कोई मेरा विरोध नहीं था यहाँ पर, सबको मैं समर्थन, सबका समर्थन रहा, सबके बारे में जानकारी हुई। इस समिति के बारे में पहले में मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ इस समिति में, तो इसलिए इस समिति के बारे में मुझे पूरा जानकारी है, और थोड़ा बहुत अब नया कुछ बदलेगा, उसको बदलना पड़ेगा। तो आपको निर्विरोध चुना गया है, तो लोगों के मन में कुछ होगा कि कुछ नया काम चाहिए, तो क्या आप ऐसा कुछ बदलाव करना चाहते हैं? हाँ, ये नया काम, मेंबरशिप बहुत कम है, उसको लिए लोगों ने कहा है कि भाई मेंबरशिप आप बढ़ाइए इसको, और सोशल वर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेंबरशिप आपको बढ़ाना पड़ेगा, बिना मेंबरशिप बढ़ाए काम नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।